तिरपाल लगा के काम करवा रहे हैं लोग। हमारी सारी एलईडी स्क्रीन वगैरह बंद हो गई है। मैं लुधियाना से तो बड़ा फैन हो गया, क्या काम करवाते हैं यार। वो चप्पू से काट के फिर पानी गिर गया अंदर सोल के अंदर। वो चप्पू से काट के फिर पानी गिर गया अंदर सोल के अंदर। मैंने पहले किसी यहाँ पर जुग्गी में विखे जी पीएयू विच एग्जीबिशन चल रही थी साइकिल एक्सपो 2020 ते 11वीं एग्जीबिशन है जिहड़ी कि लग रही है। दूरों दूरों लोग जिथे इस एग्जीबिशन नूं वेखण आ रहे ने उत्थे ही इस जगह ते बड़े पुख्ता प्रबंध किए गए सी, पर बारिश दे आन दे नाल तुसीं देख सकदे हो प्रॉपरली पुख्ता प्रबंधां दी पोल खुलदी नज़र आ रही है। सारा खाना जिहड़ा कि आए हुए एग्जीबिटर्स लई या कस्टमर्स लई बनाया गया सी उह सारा खाना वेस्ट हुंदा नज़र आया। लगी हुई है, कुदरत ने मौसम थोड़ा खराब कर दिता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो साइकिल एक्सपो वालों दावा किया गया सी पुख्ता प्रबंध है जोड़े कि इतने किए जाएंगे, बट इतने अगर मैं कह बिजली का भी हाल बुरा ही दिख रहा है, पानी के नाल शेड सारे उड़ गए। सो गलबात कर लगी है जी मैं तुम्हें प्रेजिडेंट जी। हेलो, बहुत ही मन भागा है कि अज इन्ना वड्डा तूफान बाइसाइकिल एक्सपो जी बहुत अच्छी चल रही थी सी फोर्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तूफान दे नाल मैं समझना एक डर दा माहौल तो पैदा होया, पर परमात्मा दे अगे कोई जोर नहीं। वर्ल्ड दे विच भी कैलामिटीज़ होंदियां ने, नैचुरल मैनमेड नहीं होंदियां। मैं कोशिश करांगा कि सब तो पहला जिहड़े अपनी असीं दे रहे हां कि जिन्ने स्टॉल्स ने सब तो पहला मेरे वास्ते इंपोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ नूं बचाना। सब नूं असीं इकट्ठा करके एक जगह लैके आ रहे हैं, पर जे परमात्मा नाल लड़ाई करिए शायद नहीं कर पावांगे। इस वेल एक ही है कि परमात्मा अगे अरदास कि कोई नैशनल कैलामिटी जे आई है, नैचुरल है, किसी के बस नहीं है, किसी की जानी मानी नुकसान हले तक नहीं होया। उम्मीद करते हैं कि परमात्मा तरस खाणगे साढ़े उपर। अरेंजमेंट को मैं कमी नहीं देख रहा, जे कोई तूफान के नाल उड़ गए ने इहदा मतलब होया कि इन्ने ज़्यादा तूफान तो बाद भी जिस जगह असीं खड़े हाँ एक शायद पानी की एक जगह बूंद गिरी है। कोई गल नहीं, ये समा निकल जाएगा तो एग्जीबिशन फिर रहेगी। मैं लुधियाना निवासियों को अपील करदा कि उन्होंने फैक्ट्रिया के घर हर जगह दिक्कत आई है, ये किसी की इंटेंशन बैड नहीं है, कमी निकालने तो बहुत कड़ी जा सकती है। गिलास कितना पानी है, गिलास कितना खाली है, लेट सी पॉजिटिव। लखा करोड़ा रुपए इस एग्जीबिशन से खर्चा गया, इस एक्सपो से खर्चा गया, पर तुम की कहना चाहोगे कितने ना कि मैन पावर की कोई कमी नज़र आ रही? नहीं, देखो इस एरिए मैन पावर की मैं हाल तक कमी नज़र नहीं आई। हाँ, मैंने दसिया गया कि फूड कोर्ट के कोई एरिया दे कोई टेंट वगैरह गिरिया वा, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पर परमात्मा का शुक्र है कोई इंजरी नहीं हुई। पर मैं समझना कि एडे वे तूफान के अगे मैन पावर खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल देखो दिल्ली दे प्रेजिडेंट ऑफ US आए ने, 10,000 बंदा इंप्लॉय किया उन्होंने पुलिस का, फिर भी एक दंगे भड़क गए ने, उदो पुलिस भी बेबस हो गई है मॉब के सामने। एक मॉब नू कंट्रोल करना बड़ा औखा है, तो परमात्मा है ना। इंपैक्ट जरूर पाएगा, पर असी पंजाबी होंने जदों बारिश रुकी तो सारी कसर उन्होंने कढ़ देनी है, कोई कसर नहीं होने देंगे असी भी। बाकी ऑर्गनाइजर नू मैं जरूर कहांगा कि इस एक घबराने की लोड़ नहीं, एक लैसन लैन की लोड़ है कि होर बैटर किदां इंप्रूव किया जा सकता है। नहीं, चाइना के ना आने शायद फाइनेंशियल लॉस होया हो, बट चाइना की प्रोडक्ट किसी ना किसी स्टॉल के उपर तुहानू सारे मिल जाएगी। चाइना के आने तो कह सकते हैं कि कमी महसूस हुई है, पर यह नहीं कह सकते कि इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पै गया। क्योंकि अब मौसम मैं कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज़ आई लेट मी से कि अस मौसम नाल नहीं, चाइना के उपर कोई प्रॉब्लम आई है। इंसानी तौर पर असं चाइना के नाल खड़े हाँ, भाईचारे नाल खड़े हाँ, बट साइकिल इंडस्ट्री वास्ते ब्लैस इन डिसगैस कहांगा बहुत वड्डी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के विचों जे माल घटेगा तो हुण साडी बहादुरी की लोड़ है कि असी किन्ना कम अप करके
बैटर क्वालिटी अपने गाहक नूं दे सकदे आ। बहुत वड्डा चांस है जे असीं इहनूं गैप कर जाइए। बारिश के नाल जिथे कि इतों के ऑर्गेनाइजर्स की पोल खुलती नज़र आई उत्थे एग्जीबिटर भी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसा मतलब एकदम से बारिश आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैंने पहले किसी यहाँ पर झुग्गी में काम करा है आज तक हमने सिर्फ। आप कभी दिल्ली आए हैं? जी 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 बिल्कुल। दिल्ली में देखा एग्जीबिशन कैसे होते हैं? मैं लुधियाना से तो बड़ा फ़ैन हो गया कि आप काम करवाते हैं यार। कभी कोई देखा किसी को हट के नीचे झुग्गी के यहाँ पर काम करवाते हुए? तिरपाल लगा के काम करवा रहे हैं लोग। इतना पैसा लगा, सारा पैसा चाहिए मुझे। जितना पैसा लगा। हाँ जी, कितना पैसा लग गया? अब लग गया मैडम, बिल देखने पड़ेंगे सारे बिल देखें। हाँ जी, बारिश के कारण पूरा काम तो खराब हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि अभी देखते हैं वो तो बहुत बिजी हैं। नहीं, वो बारिश की वजह से जो ये ऊपर का जो कैनपी है वो जो उड़ गई है उससे नुकसान तो हुआ ही है। अब वो तो असेस करेंगे तो मालूम चलेगा। बिजली का भी जो है प्रॉब्लम नजर आ रही है उसके कारण? नहीं, वो बिजली तो मेरे ख्याल से जानबूझ के बंद की गई होगी जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, तो वो तो ज़रूरी है। लेकिन ये जो शेड है। हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका कोई करेक्टिव मेजर लेना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक नेचुरल एक परेशानी आई है वो आई है। लेकिन इट वुड हैव बीन बेटर, बेहतर होता कि इस इंतज़ाम थोड़ा और ज़्यादा पुख्ता होता। मीडिया में आ रहा है कि तूफान आएगा, बारिश आएगी, और तैयारी करके रखा? हाँ बिल्कुल था सर। और अभी तक तो नहीं लग रही थी अभी, लेकिन अब जब से ये परेशानी आई है तो वो किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है। लेकिन इट वुड आई कैन नॉट से दिस बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है, इट्स रीसेंट थिंग, तो वो क्या कर रहे हैं मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है। तो लेट अस सी हाउ दे हैंडल इट। हाँ बिल्कुल नुकसान हुआ जी, हमारी सारी LED स्क्रीन वगैरह बंद हो गई है। और हैं कब अच्छा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि हमारे यहाँ जो है हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वगैरह हैं वो सारे पानी में भीग गए हैं, उसकी वजह से अब दोबारा चालू हो पाएंगे कि नहीं आई डोंट नो। पानी गिर रहा है सोल में, वो उसका मैनेजमेंट वाले कोई बंदा था बनाने वाला, उसने वो चप्पू से काट के फिर पानी गिर गया अंदर सोल के अंदर, कुछ हमारे स्टैंड्स और कारपेट सब भीग गया। जी। अगर मैं बात करूँ कितने दिन से आए हो आप यहाँ पे? 5 दिन से। 5 दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए, प्रॉपर आपको क्या लग रहा है कि ऑर्गेनाइजर ने पूरा प्रबंध नहीं? बाकी तो परफेक्ट था, अभी वो जो बंदा था काम करने वाला उसने चक्कू मार दिया, ऑर्गेनाइजर तो था ही नहीं इधर। अच्छा, बाकी तो सब मैनेजमेंट वगैरह सब प्रॉपर था। जी, मतलब यहाँ पे लोगों कारपेंटर लोग ने मारा है, मैनेजमेंट वाले तो थे ही नहीं करने के लिए। अब जिसने बांधा है उसने बराबर केयर नहीं किया है, बाकी सब ऑल राइट था। तिरपाल लगा के काम करवा रहे हैं लोग। हमारी सारी LED स्क्रीन वगैरह बंद हो गई है। मैं लुधियाना से तो बड़ा फैन हो गया कि आप काम करवाते हैं यार। उसने वो चप्पू से काट के फिर पानी गिर गया अंदर सोल के अंदर, उसने वो चप्पू से काट के फिर पानी गिर गया अंदर सोल के अंदर। मैंने पहले किसी यहाँ पर झुग्गी में